जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं जो कि सोलर प्लांट से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि सोलर प्लांट पर आए किसी भी तरह के फॉल्ट को कैसे सॉल्व करें और उसमें क्या सावधानी रखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा सोलर प्लांट है जो कि 2.5 मेगावाट का है और इसमें 18 SMB का यूज़ किया गया है और 2 PCU का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर कोई फॉल्ट आया है वो हमें चेक करना है कि क्या फॉल्ट है, तो हम उसको देखेंगे। ये हमारा कंट्रोल रूम है जिसके अंदर सभी पैनल और कंट्रोल सिस्टम यहीं पर है और यहाँ ट्रांसफार्मर भी कंट्रोल रूम के अंदर ही है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप नहीं है, ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, इसीलिए इसको कंट्रोल रूम के अंदर ही सेटअप किया गया है। ये हमारे दो पैनल हैं और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो ड्राई टाइप है, और इसी के साथ दो इनकमर लगे हुए हैं जो अलग अलग सब स्टेशन से आते हैं, और ये हमारा ST पैनल है, BCB भी कहते हैं इसको, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अभी इसी से मेन सप्लाई है, इधर से ही हमारा प्लांट रन करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्विच है, इसको हैंडल को हम क्लोज साइड घुमाएंगे, ये हमारा प्लांट रन कर गया है, ट्रांसफार्मर ऑन हो गया है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा ये PCU बन है जो जिसमें हमारी कंट्रोल की सप्लाई आ गई है, इंडिकेशन ग्लो हो रहा है, और इसी के साथ हमारा ये दूसरा PCU लगा हुआ है जिसमें कोई इंडिकेशन नहीं आया है और ना ही कोई सप्लाई आई है। तो हमारा आज का फॉल्ट यही है कि इसमें सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो आज हमें इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले अंदर देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, ना कोई इंडिकेशन ग्लो हो रहा है, कुछ भी, मतलब कंट्रोल की सप्लाई इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो यही हमें चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अगर कोई ट्रिप हुई है, प्लांट ट्रिप हुआ है पैनल, तो सबसे पहले हम उसको देख लेना चाहिए पूरी जगह, सभी पूरे प्लांट के अंदर कोई फॉल्ट तो ऐसा नहीं है जो हम आँखों से देख सकता है हमें आसानी से। तो पहले हम सब उसको सर्वे करेंगे, सब चेक करेंगे, कोई बस बार वगैरह तो हीट नहीं हो गई है, या कोई बोल्ट जो है वो जल जाते हैं कभी लूज कनेक्शन की वजह से, तो वो चीज़ें हम सबको चेक करना है, या कोई कुछ जला हुआ तो नहीं है उसमें, तो सब चीज़ों को हम पहले क्लियर कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फिर क्या फॉल्ट है। पहले हम सभी जगह अच्छे से देखेंगे। ये हमारा ACB साइड है, ये ACB लगी हुई है हमारी, तो ऐसे ही हम सबको क्लियर करके देख लेंगे। पहले चलिए हम प्लांट PCU1 को देखते हैं, ये कैसे रन करना चाहिए। तो ये हमारा रनिंग कंडीशन में है, जो इंडिकेशन ग्लो भी हो रहा है, ग्रीन या ऑरेंज। अब हम इसके अंदर भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर इंडिकेशन जगह जगह इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। जब रन कंडीशन में होता है तो यही पोजीशन होनी चाहिए PCU की, तो ये सभी जगह इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। देखिए ये कार्ड लगे हुए हैं हमारे, तो सभी जगह इंडिकेशन ग्लो होना चाहिए, इसमें रन होना चाहिए। ये हमारा रिले साइड है, जो रिले वगैरह कॉन्टेक्टर वगैरह यहीं पर, ये भी इंडिकेशन ग्लो हो रहा है इसका, ये प्रॉपर रन कर रहा है। इसी तरह उसको भी रन करना चाहिए। अब वही फॉल्ट हमको चेक करना है। चलिए पहले हम इसको फ्रंट साइड से तो देख लिया, अभी बैक साइड से भी देख लें। पहले ये इसमें जो कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं जहाँ से सप्लाई को हम कंट्रोल सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं, पहले उसको चेक करेंगे कहीं उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्टेक्टर है, अभी हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद ऑन करके देखेंगे कहीं यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, ये सही है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी सप्लाई नहीं आ रही है। ये MCB है हमारी, इसको भी ऑन ऑफ करके देखेंगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आगे चेक करना होगा, अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, जो DC वोल्टेज आ रहा है हमारा SMB साइड से, बाहर से फील्ड साइड से, उसको वोल्टेज चेक करेंगे कि DC वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि हमारा प्लांट रन करने के लिए 600 से ऊपर वोल्टेज आना चाहिए जो DC है।
तो ये मैक्सिमम 1000 डीसी वोल्ट होता है इसका, जो एसएमई 10 से लेके 18 तक इसमें कनेक्ट है। तो चलिए पहले हम वोल्टेज को चेक करते हैं। ये हमारा डीसी साइड है, यहाँ पर सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है, यहाँ पर 1000 वोल्ट डीसी तक मैक्सिमम आ सकता है। तो अभी देखते हैं, ये हमारा 788 वोल्टेज आ रहा है, मतलब वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत सावधानी से काम करना चाहिए, ये डीसी वोल्टेज है जो बहुत ही खतरनाक होती है। चलिए यहाँ से वोल्टेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एसी वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर साइड से आ रहा है हमारा, यहाँ पर 350 वोल्ट एसी होना चाहिए, तो इसको भी चेक करेंगे। यहाँ भी सावधानी रखें क्योंकि लाइन चालू है, वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए आपको सावधानी से काम करना होगा, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। ये हमारे तीनों फेस आ रहे हैं जो ट्रांसफार्मर साइड से आ रहे हैं, इसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं। पहले हम फेस टू फेस वोल्टेज चेक करेंगे, फेस टू फेस 350 वोल्ट आना चाहिए हमारा। ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज सही आ रहा है, ये एसी वोल्टेज है। और इसके बाद हम ग्राउंड चेक करेंगे, ग्राउंड में 200 वोल्ट के करीब आना चाहिए हमारा। ये देखिए दोस्तों, हमारा 200 वोल्ट के करीब आ रहा है, तो हमारा पावर की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफार्मर साइड से भी आ रही है और हमारा फील्ड साइड से जो मॉड्यूल लगे हुए हैं वहाँ से भी आ रही है। अब देखना है मेन प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों ट्रिप हो रहा है। चलिए हम अब एसीबी साइड चलते हैं। अब देखना क्या है, एसीबी के ऊपर जो बस वायर है हम वहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये ऊपर बस वायर लगी है, वहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ भी एसी वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमारा बीसीबी सप्लाई नहीं निकाल रहा है, ये ही ट्रिप कर रहा है। तो हम देखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, हमारा बीसीबी ऑफ कंडीशन में है अभी और ये डिस्चार्ज भी हो गया है। ये ऑटोमेटिक चार्ज रन कंडीशन में अगर होता है तो ऑटोमेटिक चार्ज रहता है, लेकिन अभी हम डिस्चार्ज है तो हम इसको मैन्युअली चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट करके देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो चलिए हम इसको चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर सावधानी रखें, नीचे एसी वोल्टेज है जो 350 वोल्ट के करीब है, तो आराम से सावधानी से काम करें। ये हमारा चार्ज हो गया है, अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये अभी भी ट्रिप कर रही है। अभी हम इसमें चेक करेंगे कि इसके लिए ट्रिपिंग का जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले इसको ड्राइंग में चेक करेंगे कि इसके सिग्नल कहाँ से मिल रहे हैं इसको, ये ट्रिप करा रहा है। तो जब हमने ड्राइंग में चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें जो सिग्नल आ रहा है वो हमारा जीआईसी कार्ड से आ रहा है। तो जीआईसी कार्ड को देखते हैं, ये हमारा जीआईसी कार्ड है, इसी से हमारे एसीबी में सिग्नल जा रहा है जो ट्रिपिंग का। तो हमने जब जीआईसी कार्ड को देखा तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारी धूल आ गई है और मॉइस्चर की वजह से हो सकता है किसी टर्मिनल को शॉर्ट कर रही हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको धूल को अच्छे से साफ़ करना होगा, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं। तो पहले हम कार्ड को अच्छे से खोलेंगे और मेन चीज़ ये भी याद रखना है कि जो बगल में बस वायर है जो लाइव चल रही है वहाँ पर डीसी वोल्ट एसी वोल्ट जो मैक्सिमम बहुत है, इसलिए आपको जान को खतरा भी हो सकता है। तो वहाँ पर सहूलियत से देखें, कोई बॉडी का पार्ट टच नहीं होना चाहिए वहाँ पर। और कार्ड को जब हम खोलते हैं तो बहुत आसानी से खोलना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आसानी से खोलें कि कोई बाहर ना निकले या कोई कनेक्टर ना टूटे। सबको बहुत आसानी से खोल लेंगे एक एक करके सबको, और जो जिस जगह का है याद रखेंगे वो वहीं उसी जगह लगाना चाहिए हमें, इधर उधर ना हो कोई भी। तो बिल्कुल आसानी से खोलेंगे, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई काम कर रहे हैं तो सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी हमें अच्छे से रखना चाहिए अपने, बिल्कुल आसानी से करना चाहिए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमने कार्ड के सभी कनेक्टर को निकाल लिया है
और हम इसके स्क्रू को खोलेंगे और इसको कार्ड को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के फिर हम इसको साफ करेंगे, फिर दोबारा लगाएंगे। तो ये स्क्रू को खोल लेंगे पहले अच्छे से। ये जो कार्ड है, जिस तरह साइड भी देख लें कि जैसा लगाता वहाँ पर वैसा ही लगाना चाहिए हमें। तो बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कार्ड बाहर आ गया है। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो अर्थिंग यूज़ हुई है, जब भी हम कार्ड को दोबारा यहाँ पर लगाएंगे तो ये अर्थिंग को सबसे पहले लगाना चाहिए। बगैर अर्थिंग के हम इसको नहीं लगाएंगे। अगर इसको लगा के हमने प्लांट चालू किया तो हमारा कार्ड ख़राब हो सकता है, इसीलिए अर्थिंग का पहले ध्यान रखें, अर्थिंग को पहले लगाएं। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा कार्ड है। अब इसमें बहुत सारी धूल है तो हम इसको ब्रश से साफ़ करेंगे और कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो शॉर्ट कर सकती है कार्ड को, इसलिए नॉर्मल ब्रश से यूज़ करेंगे। और ड्राइंग में हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया अभी कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और भी लंबा हो जाता, इसीलिए ड्राइंग पर कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी पहले हम इसी फॉल्ट को क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, अच्छे से क्लीन करना है सभी जगह कार्ड को, क्योंकि धूल से, मॉइस्चर की वजह से ये धूल उसमें चिपक गई है। इसी से कोई टर्मिनल हमारा शॉर्ट हो रहा होगा तो ट्रिप करा रहा होगा वो। तो पहले हमें इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसके बाद हम इसको दोबारा लगाएंगे। चलिए, अच्छे से हमारा साफ़ हो गया है। अब हम इसको जैसा लगा था वहाँ पर वैसा ही फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने कनेक्टर को लगाना है। हमें कार्ड को हमने पहले ही लगा दिया है। अब हम कनेक्टर को, जो कनेक्टर जिस जगह का था उसको उसी जगह पर लगाना है, इधर उधर ना हो, किसी को चेंज ना हो जाए, नहीं तो हमारा कार्ड शॉर्ट हो सकता है। तो सभी जगह अच्छे से देख लेंगे। उस पर मेन चीज़ क्या है, इस पर कनेक्टर पे और कार्ड पे नंबरिंग है, तो नंबर देख के हमें लगाना है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देख के लगा सकते हैं हम। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, कनेक्टर को बिल्कुल आराम से लगाएं, कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, जिससे कोई पिन विन ना टूटे कनेक्टर की। सबको बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। और दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपना सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये 1000 वोल्ट डीसी तक यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज रहता है डीसी का, और 350 वोल्ट एसी का रहता है, और करंट इसमें 300 से ऊपर रहता है। तो ध्यान रखें, सेफ्टी से काम करें, और किसी भी बस वायर या कोई वायर को टच ना करें ऐसे। ये तो हमारा कंट्रोल का है, जो अभी कंट्रोल की तो सप्लाई भी नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए 24 वोल्ट यूज़ होता है, जो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जिससे हमें। तो अच्छे से इसको टाइट करेंगे कनेक्टर को, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और कनेक्टर को टाइट करके फिर हम इसको रन करा के देखेंगे कि क्या ये ऑन होता है या नहीं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत काम आ सकती हैं। चलिए, हमारा कार्ड को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको एसीबी को ऑन करके देखेंगे कि हमारी सप्लाई कंट्रोल की जो है आ रही है या नहीं, कोई फॉल्ट दूर हुआ है नहीं। ये हमारी बीसीबी अभी ऑफ है और ये अभी डिस्चार्ज कंडीशन में है। तो क्या है, पहले हमें इसको हैंडल से चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहले हम इसको हैंडल से चार्ज कर लेते हैं। ये हमारे बीसीबी चार्ज हो रही है, आराम से करना है। ये दोस्तों, हमारी बीसीबी चार्ज हो गई है, देखिए। और ये हमारे पुश बटन हैं जो ऑफ ऑन दोनों के हैं, तो हमें क्या है, ऑन करना है। तो हम ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बीसीबी ऑन हो गई है और हमारी कंट्रोल की सप्लाई भी पूरे पैनल में आ गई है। इसका मतलब हमारा फॉल्ट सिर्फ इतना सा था कि वो कार्ड को धूल वगैरह शॉर्ट कर रही थी। अगर ये फॉल्ट इससे भी दूर नहीं होता तो हमें कार्ड को भी रिप्लेस करना पड़ जाता। तो चलिए दोस्तों, हमारा फॉल्ट दूर हो गया है।